हे दोस्तों, आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पाइन एडिटर स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे जो भी संडेज के वीडियो होते हैं वो ज्यादा करके हम ऑटोमेशन या कुछ नया लाने का जो है फोकस करते हैं। तो हमारा जो लास्ट वीडियो जो था, लास्ट संडे का जो वीडियो जो था, वो पाइन एडिटर का हम लोग ने इंट्रोडक्शन लिखा कि अगर आप पाइन एडिटर को जो है कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, कौन से वर्जन। तो हमने वर्जन नंबर 5 जो फिफ्थ वर्जन है उसको हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे ये इसका सेकेंड वीडियो है। तो पाइन एडिटर से क्या होता है कि आपको कोडिंग लिख सकते हो कि जिसके रीजन से आपको अगर आगे जाके कुछ बैक टेस्टिंग करना हो, या फिर अगर आपको जो भी स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी हो या इंडिकेटर आपको खुद का क्रिएट करना हो, तो वो सारी चीजें आप इन पाइन एडिटर के द्वारा कर सकते हो। तो ये सीखने में डिफिकल्ट नहीं है, बट इतना इजी भी नहीं है। तो आज का हमारा ये जो सेशन होगा स्पेशली, वो हमारा लास्ट वीडियो के जो है वो लास्ट वीडियो वाज़ द फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट होने वाला है जहाँ पे हम इसको स्ट्रक्चर करेंगे। ओके, तो जैसे कि अगर आप कोई भी कोडिंग करते हो तो वहां पे पूरा एक सेट ऑफ प्रोसेस होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, आपको उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर है क्या। ओके, इसके साथ साथ जो है मैं आपको लास्ट में, एंड ऑफ द वीडियो में, आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इन स्ट्रक्चर को जो है आप सीख सकते हो। काफी सिंपल है, और मैं आपको उसके रिगार्डिंग आपको कहाँ से डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं पाइन स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर को। तो अगर आप पाइन स्क्रिप्ट अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे, यहाँ पे तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है आप वर्जन, कौन सा वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे कि मैंने कहा कि हम जो है फिफ्थ वर्जन को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड है आपका डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। सो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या है कि आप क्या यहाँ पे इंडिकेटर को यूज कर रहे हो, स्ट्रेटेजी बना रहे हो, क्या है वो। और सेकेंड थर्ड जो होगा दैट इज आपका रियल कोड। ओके, अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको जस्ट सेकेंड, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया गया है वर्जन, ये कौन सा वर्जन है, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो सेकेंड जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज योर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ये आपका ये वाला है कि जहाँ पे मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इंडिकेटर के बारे में सारी जो इंफॉर्मेशन होगी या वो पर्टिकुलर, ये पूरी जो स्टेटमेंट है इसे हम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कहेंगे। और इसके बाद जो हमारा ये बाकी का जो भी रेस्ट ऑफ द है, जो हम इनपुट से यहाँ पे जो पूरी चीजें मेंशन की गई है दैट इज योर कोडिंग। ओके, ये तीन इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वर्जन, आपका जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है वो, और थर्ड जो होगा दैट इज समथिंग कॉल्ड एज योर रियल कोडिंग। ओके, तो इसका जो ढांचा होता है या स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पे जो स्क्रिप्ट का जो स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पे एक होता है कमेंट्स। कमेंट्स के लिए जो है कमेंट्स होगा, वर्जन होगा, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, कोड, लाइन रैपिंग, ये सारी चीज। लाइन रैपिंग जो है हम अपने आने वाले जो नेक्स्ट संडे का जो वीडियो होगा वहां पे देखेंगे। इसी के साथ साथ हम आज के दिन पे जो है इन तीन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, कमेंट्स, वर्जन एंड डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, ये तीनों चीज समझने में बहुत ही सिंपल है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कमेंट्स के बारे में। सो कमेंट्स क्या है, देखिए कमेंट्स यानी आप कह सकते हो कि अगर आप डबल फॉरवर्ड स्लैश करते हो दैट इज डिफाइंड एज अ कमेंट्स, वो पाइन में ऐसा वो डिफाइन करते हैं। कमेंट्स कैन बिगिन एनी वेयर इन द लाइन एक्सेप्ट ऑन रेप लाइन, दे कैन ऑल्सो फॉलो द पाइन कोड ऑन द सेम लाइन। द पाइन एडिटर हैज अ कीबोर्ड शॉर्टकट टू कमेंट और अनकमेंट लाइन, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, यू कैन यूज इट ऑन मल्टीपल लाइन बाय हाईलाइटिंग देम फर्स्ट। कमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है कि जब भी आप कमेंट लिख, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोड लिखते हो, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ 25 लाइन का कोड है, तो यहाँ पे अगर आप जब भी कोड लिखते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो। तो आपको जो है अभी तो फिलहाल सब कुछ याद रहेगा, बट अगर मैं यही चीज अगर आपको 6 महीने के बाद बताता हूँ, या अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा था उस टाइम पे, तो वहां पे आपको ये कोडिंग जो है, सॉरी ये जो कमेंट सेक्शन जो है ये आपको बहुत हेल्प करता है।
तो कमेंट यानी क्या कि कमेंट के लिए आपको जो है स्टार्टिंग में ये दो फॉरवर्ड स्लैश जो है वो आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से अगर मुझे कुछ भी नोट करना है यहाँ पे, ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डबल जो है ये मेंशन करूंगा, डबल फॉरवर्ड स्लैश, और इसके बाद लिखूंगा दिस इज ऑकर। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एक जनरलाइज स्टेटमेंट किया। तो अगर मैं कल उठ के इसको कंपाइल करता हूँ या पूरे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ अपने फॉर एग्जाम्पल इस चीज को रन करने के लिए, तो यहाँ पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। दिस वुड बी कंसिडर एज अ जस्ट वन सिंपल स्टेटमेंट, और ये सिर्फ मेरे आगे हेल्प करने के लिए या फिर मुझे समझने के लिए कि मैं यहाँ पे ये चीज कर रहा था, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कमेंट जो है इस्तेमाल करना लगे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं पूरे को, अगर मुझे इसको कमेंट बनाना है तो मैं कर सकता हूँ, और अगर कमेंट निकालना है तो कंट्रोल कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, देख सकते हो कि जो डबल फॉरवर्ड स्लैश लाइन है वो आ रहा है। अब इसके अलावा भी मैं लिख सकता हूँ, दिस इज स्टॉकर, वी आर लर्निंग फाइन स्क्रिप्ट। तो अगर मैं ऐसे मेंशन कर देता हूँ और इसको मैं पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल एरो करूंगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट कमेंट्स बन जाएंगे। अगर मुझे इसको कोड लिखना होगा तो ये मैं ऐसे निकाल दूंगा, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करके, ओके, फिर प्रेस कर। तो वैसे जो है आप यहाँ पे इसको कमेंट अगर आपको बनाना है तो बना दीजिए, नहीं करना है तो वापस कंट्रोल प्लस स्लैश कीजिए और आपका काम खत्म। तो ये पहला है, ओके, तो कमेंट को सीखना बहुत ही जरूरी है, जो हमने एकदम सिंपल तरीके से सीख लिया। दूसरी चीज देखते हैं, दूसरा होता है वर्जन। देखिए वर्जन का जो है ना बहुत ही ज्यादा जो है एक पॉजिटिव चीज है, जितना ज्यादा आप लेटेस्ट वर्जन, देखिए अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो आपका क्या प्रेफरेंस रहता है कि जितना हो सके उतना मुझे एक अपडेटेड वर्जन चाहिए। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि जितना अपडेटेड होगा मुझे ज्यादा फीचर्स मिलेंगे, ज्यादा एफिशियंट होगा। तो उसी तरीके से जो कोडिंग लैंग्वेज भी है यहाँ पे पाइन, उसमें जितना ज्यादा आप अपडेटेड रहेंगे उतना ज्यादा आप ही के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो ये हमारा जो है फिफ्थ वर्जन है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कशन किया, तो यहाँ पे आपको ये अभी लेटेस्ट चल रहा है तो वही हम इस्तेमाल करेंगे। सो कंपाइल कंपाइलर डायरेक्टिव इन द फॉलोइंग फॉर्म टेल्स द कंपाइलर व्हिच ऑफ द वर्जन ऑफ पाइन स्क्रिप्ट इज रिटन इन। द वर्जन नंबर कैन बी 1 to 5। The compiler directive is not mandatory but omitted. Version 1 is assumed. It's strongly recommended to always use the latest version. While it's synthetically correct to place the version directive anywhere in the script, it is much more useful to reader when placed at the top of the script. देखिए version जो है ना आप कहीं पे भी उसे mention कर सकते हैं। There is not any restrictions कि आपको उसको बीच में रखना है या उसको बॉटम में रखना है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट वो सबसे ज्यादा सजेस्टेबल होगा कि अगर आप उसे टॉप पे रखें। टॉप पे रखने से क्या होगा कि जो भी रीडर्स है या जो भी आपके कोड्स पढ़ रहे हैं उनको एकदम आसानी होगी कि वो आप कौन से कोड पे आपने काम किया है, ओके। और यहाँ पे अगर आप वर्जन मेंशन नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वर्जन 1 को अज्यूम करते हैं। सो ये दो पॉइंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। अभी तीसरा जो फॉर्म आता है, जो तीसरा हमने यहाँ पे जो देखने वाले है, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या है, ये आपको जो है एक कह सकते हो कि यहाँ से आपके मेन जो कोडिंग है यहाँ से शुरुआत होगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में आप ये मेंशन करेंगे कि आप क्या इंडिकेटर बना रहे हो, क्या आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना रहे हो, क्या आप एक लाइब्रेरी पे वर्क कर रहे हो, तो वो चीज जो है आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में मेंशन करनी पड़ती है। सो आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ स्क्रिप्ट व्हिच इन टर्न डिक्टेट्स व्हिच कंटेंट इज अलाउड इन इट एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड एंड एग्जीक्यूटेड। सेट की प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्रिप्ट एज इट नेम्स वेयर इट विल अपीयर व्हेन इट इज अपीयर टू द चार्ट द प्रिसीजन एंड फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू इट डिस्प्लेस एंड सर्टेन वैल्यूज द गवर्निंग रन टाइम बिहेवियर सच एज मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट इट विल डिस्प्ले ऑन द चार्ट। देखिए डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से क्या होता है यहाँ पे कि आप पहले डिफाइन करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे इंडिकेटर में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, तो मेरे जो भी आगे जाके कोड्स होंगे वो उसके रिगार्डिंग होंगे,
लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे इंडिकेटर क्रिएट किया। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने वर्जन मेंशन कर दिया है और उसके बाद ये देखिए ये मेरा क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर क्रिएट करना चाहता हूँ। इंडिकेटर जो है यहाँ पे मैं अगर इंडिकेटर मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे मैं पूरा एक इंडिकेटर जो है वो बनाना चाहता हूँ। अगर उसी जगह मैं इंडिकेटर के जगह स्ट्रैटेजी मेंशन करता हूँ तो वहां पे मैं क्या इंटरेस्टेड हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। और उसी तरीके से लाइब्रेरी का है। ओके तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक क्रिएट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल इंडिकेटर और मैंने यहाँ पे या तो फिर अगर मैं इसको जो है फॉर एग्जाम्पल एक नया स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको नया स्टार्ट करना है यू कैन जस्ट ओपन पाइन एडिटर इन अ न्यू टैब। आप नया एक मतलब वहां पे आप बिग स्क्रीन पे देख पाएंगे या तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो पाइन एडिटर पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है अगर आपको जो है इसे क्लोज करके वापस एक बार नया जो है पाइन एडिटर ट्रेडिंग व्यू ओपन कर दीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे सबसे पहले वर्जन और ये सारी डिटेल्स जो है वो मेंशन करनी पड़ती। जैसे ही आप यहाँ पे इसे वर्जन और ये सब मेंशन करेंगे तो इसके बाद आपको बाकी की चीजें लिखनी है। तो इंडिकेटर क्या है यहाँ पे इंडिकेटर एक फंक्शन आप कह सकते हो यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है कि मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर बनाना चाहता हूँ। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे एक कॉमा ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एक सिंटेक्स जो है इसका लिखने का जो तरीका है इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होगा इंडिकेटर में आप क्या क्या चीजें लिख सकते हो वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देगा। जैसे आप अपना कर्सर उस पर रखेंगे वैसे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिकेटर पे मैं अपना कर्सर रखता हूँ सो आई कैन राइट टाइटल मैं जो भी इंडिकेटर बनाना चाहता हूँ उसका पूरा नाम शॉर्ट टाइटल वो अगर चार्ट पे मैं प्लॉट करूंगा तो क्या नाम से आना चाहिए अदरवाइज वो टाइटल ही सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे ओवरले क्या उसको आपको चार्ट पर देखना है या फिर उसके नीचे देखना है वो उसका फॉर्मेट प्रेसिजन स्केल मैक्सिमम बार बैक टाइम फ्रेम गैप्स फिर एक्सप्लिसिट प्लॉट डिसऑर्डर मैक्सिमम लाइन काउंट मैक्सिमम लेबल काउंट मैक्सिमम बॉक्सेस काउंट ये सारी चीजें ये इसके अंदर आप लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें लिखनी है जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो आप यहाँ पे मेंशन करो। जैसे इंडिकेटर आप यहाँ पे लिखते हो उसी तरीके से आप यहाँ पे अगर आप स्ट्रेटेजी क्रिएट करना चाहते हो मेंशन स्ट्रेटेजी एंड ब्रैकेट ओपन कीजिए और आप अपना कर्सर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे सिंटेक्स क्या होगा बस जैसे ही आप रखेंगे तो वो सारी चीजें आप अगर आप स्ट्रेटेजी लिखते हो तो ये सारे आप हेडर्स यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो टाइटल शॉर्ट टाइटल ओवरले फॉर्मेट तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको सेम मिलेगी जो इंडिकेटर में है। और अगर आप उसी तरीके से लाइब्रेरी क्रिएट करना चाहते हो मेंशन लाइब्रेरी एंड ब्रैकेट ओपन कीजिए और आप अपना कर्सर यहाँ पे लेके आएंगे सो लाइब्रेरी का जो सिंटैक्स है दैट इज टाइटल और ओवरले ये दो चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते दैट इज फॉर इंडिकेटर का स्ट्रेटेजी एंड लाइब्रेरी का हमने सिंटैक्स देखा। अभी इसके बाद जो है ईच टाइप ऑफ स्क्रिप्ट हैज अ डिस्टिंक्ट रिक्वायरमेंट। देखिए अगर आप इंडिकेटर पे काम करते हो तो आपका जब भी आप एंडिंग करेंगे तो वो आप करेंगे प्लॉट के साथ ओके प्लॉट प्लॉट शेप बार कलर लाइन डॉट न्यू एक्सेट्रा ओके। अगर आप स्ट्रेटेजी पे हो तो उसमें एटलीस्ट जो है वन स्ट्रेटेजी जहाँ पे आप स्ट्रेटेजी डॉट एंट्री एंट्री कहाँ से करेंगे वो सारी चीजें और लाइब्रेरी की चीज जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे कमेंट कमेंट से आप वर्जन मेंशन कीजिए फिर आपका डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होगा फिर आपका कोडिंग होगा और फिर लाइन रैपिंग। लाइन रैपिंग जो है हमारे नेक्स्ट संडे वाले के वीडियो में हम लाइन रैपिंग पे बात करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसके बाद हम इसकी शुरुआत इसको एक झलक देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आप डबल कमेंट यहाँ पे मेंशन कर दीजिए लिखिए वर्जन कौन सा है ये फिफ्थ यूज करते हैं ओके और यहाँ पे ये हमारा अभी हम लिखेंगे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इंडिकेटर ओके। इंडिकेटर को आप यहाँ पे ओपन कीजिए और नाम मेंशन कर दीजिए फॉर एग्जांपल टाइटल टाइटल वुड बी स्टॉक एरो ओके और इसके बाद आप यहाँ पे इसे शॉर्ट टाइटल दे दीजिए
लेट्स से हम यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज क्रिएट कर रहे हैं, और इसके बाद ठीक है हम इतना ही अभी के लिए मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हम एक कमेंट मेंशन करेंगे कि हम यहाँ पे इंडिकेटर क्रिएट करना चाहते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो सिंपल मूविंग एवरेज इक्वल टू ए डॉट एस एम ए, ये इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्लोजिंग वैल्यू लेंगे 14, ओके। यहाँ पे जो हमने प्लॉट फंक्शन जो लास्ट में हमने चीज मेंशन की, यहाँ पे मेंशन कर दो दैट इज एस एम ए, और जिस फॉर्मेट में लिखा है एज इट इज उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, और एड टू चार्ट। जैसे ही आप यहाँ पे एड टू चार्ट करेंगे, ओके, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरर दिखाई दे रहा है शॉर्ट टाइटल में, ओके। सो शॉर्ट टाइटल का एक जस्ट सेकेंड, तो यहाँ पे एरर आया दैट एड टू चार्ट ऑपरेशन फेल रीजन लाइन टू इंडिकेटर फंक्शन डज नॉट हैव आर्गुमेंट विद द नेम ऑफ शॉर्ट टाइटल, ओके। सो चलिए इसमें अगर हम इसको निकाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल, और इसको हम एड टू चार्ट, तो देखिए आपका जो इंडिकेटर है दैट इज स्टॉक एरो वो यहाँ पे पब्लिश हो चुका है, और यह हमने सिंपल मूविंग एवरेज लिया है 14 का। अगर आप यहाँ पे इसको देख रहे हो तो ये यहाँ पे नीचे हुआ है, मुझे इसको चार्ट के ऊपर प्लॉट करना है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक और एक फंक्शन में ऐड कर दूंगा दैट इज ओवरले। ओवरले क्या होता है कि अगर आप मेंशन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट जो है सिस्टम उसको फॉल्स कंसिडर करता है, जिसको हमें ट्रू मेंशन करना है यहाँ पे, और एड टू चार्ट। देखिए वही सेम चीज यहाँ पे आ चुकी है, तो जब भी आप यहाँ पे और मेंशन लाइक फॉर एग्जांपल अगर जब भी आप यहाँ पे पाइन एडिटर का इस्तेमाल करते हो, यू ऑलवेज रिमेम्बर कि उसके पूरा एक स्ट्रक्चर है और उसी स्ट्रक्चर में आपको इसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप चाहे यस, और अगर आपको इसको और अच्छे से सीखना है यू कैन जस्ट सर्च वर्जन 5 पाइन एडिटर, और आप ट्रेडिंग व्यू सर्च कर दीजिए। अगर आप जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो फर्स्ट लिंक है क्लिक ऑन इट, यहाँ पे इसका वर्जन 4 और 5 में क्या डिफरेंस है ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको और इंट्रोडक्शन में चाहिए तो वेलकम पाइन स्क्रिप्ट है, इसमें यहाँ पे फर्स्ट है फर्स्ट इंडिकेटर, नेक्स्ट है लैंग्वेज, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन की है। जस्ट स्पेंड सम टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर वेब ये पर्टिकुलर आर्टिकल एंड यू विल अंडरस्टैंड द वर्जन 5 वेरी गुड वे, ओके। सो आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड द ट्रेडिंग कम्युनिटी, एंड अगर आपके जो भी सजेशंस होंगे काइंडली मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में।